जी, आज हमारे यहाँ की जितनी कोर कमेटी की बैठक हुई है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होने वाला है, तो ना सिर्फ इसे प्रतीक रूप में मनाकर, ना सिर्फ एक उत्सव के रूप में मनाकर, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं और ज़्यादा सशक्त हों और ज़्यादा मजबूत हों। तो इसी संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक हुई, आपस में चर्चा हुई और आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर निर्णय लिया गया। किस तरह से अभियान चलाया जाएगा स्कूल कॉलेज तक की महिलाओं और बच्चों छात्रों को कराया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लगातार अपने संस्था की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे सेमिनार्स करेंगे जिसमें हमारे मनोवैज्ञानिक या हमारे जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को बताएंगे कि अपने खिलाफ हो रही हिंसाओं के खिलाफ वो किस तरह कदम उठा सकती हैं और किस तरह पहले से प्रिपेयर रह सकती हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध कारित ना हो। हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जो जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम किए हैं, जो हम लोग सामने दिख नहीं पा रहा है, उन महिलाओं का हम लोग ने करके उनको सम्मानित देना, जैसे कि और महिलाएं उससे प्रेरित होकर आगे आए, ये सब काम कर सके, इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं महिला दिवस को। देखिए, आजकल छात्राएं जागरूक तो हैं ही हैं, पर थोड़ी कोशिश हम लोग भी करते हैं और उन्हें स्वावलंबी और जागरूक बनाया जाए, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये आने वाला भविष्य हैं, इनको स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं स्कूल कॉलेजों में जाकर इनसे बात करना और सेमिनार करना, ये हम लोगों का काम आता है। मंजू गुप्ता, आप लोग जागरूक करेंगे? हम लोग जाकर स्कूल और कॉलेज में बच्चों को शिक्षा दे रहे, आगे पढ़ो, अच्छी शिक्षा मिले आप लोग को।